एडीएम फाइनेंस जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने महानगर के विभिन्न रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर पूरे जनपद के रैन बसेरों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और वहां पर यह सुनिश्चित किया गया कि रैन बसेरों में रुकने की पूरी व्यवस्था है कि नहीं, वहां पर पानी, शौचालय, गर्म बिस्तर की व्यवस्था है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति रैन बसेरे में जाकर रुकता है और उसके पास अधिक पैसा है या कोई बहुमूल्य चीज़ है तो लाकर में रखकर आराम से सो सकता है, इसीलिए सभी रैन बसेरों में लाकर की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि सभी रैन बसेरे साफ सुथरे एवं वहां पर अलाव की भी पूरी व्यवस्था की गई है जो रात्रि 10 बजे तक जलती रहती है। जनपद में अभी तक ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों में कुल 9,500 कंबल का वितरण किया जा चुका है, अभी 10,000 कंबल और आना बाकी है। सभी तहसीलों को निर्देश दिया गया है कि वह जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कंबल का जरूरतमंदों में वितरण करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, ये रैन बसेरा है, रेलवे स्टेशन सामने हमारा गेट नंबर 1 है, उसके ठीक सामने ये रैन बसेरा बना है। आप देखिए, ये नगर निगम गोरखपुर के द्वारा अंदर आ जाइए, अंदर इसमें पुरुषों के लिए 10 फीट का ये बना हुआ है, बहुत शानदार रैन बसेरा है, निःशुल्क है। आप देखें यहाँ पर टाइल्स भी लगी हुई हैं और मुख्य चीज़ ये है कि इसमें ये एक छोटे छोटे लॉक है, अलमारियाँ हैं, लॉकर है। कोई भी व्यक्ति यदि अपना कोई बहुमूल्य सामग्री लेकर जाता है तो वो इसमें रख सकता है, वो उसकी सुरक्षित रहेगी। सामने ये शौचालय है और स्नान और इसी प्रकार से प्रथम तल पे कितने वो हैं, 9 बेड। इसी प्रकार से प्रथम तल पे 9 महिलाओं के लिए बेड बने हुए हैं और उसके जाने का रास्ता किधर से है, आइए ऊपर चले चलते हैं। 9 बेड महिलाओं के लिए बना हुआ है, यहाँ पर भी लॉकर है। मुझे आप लोगों को केवल ये सूचित करना है कि रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने ये रैन बसेरा है, निशुल्क है। यदि आप बाहर से कहीं आते हैं और आपको यहाँ पे रुकना है तो ठीक सामने ही आकर के यहाँ आप रुक सकते हैं। भोजन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और किसी भी रैन बसेरे में भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन आपको कहीं से करके आना है और फिर यहाँ आप रुक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और हमारे साथ विनय पांडे जी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूरे जनपद में, नगर निगम क्षेत्र में भी और नगर पंचायत क्षेत्र में भी, सभी जगह बहुत ही गहनतापूर्वक रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया, जिसमें वहाँ की साफ़ सफाई, बिस्तरों की संख्या क्या है, मेल फीमेल के लिए अलग है या नहीं है, शौचालय की व्यवस्था क्या है, और विशेष रूप से लॉकर देखा गया कि अगर कोई भी आदमी वहां आकर के रुकता है, कोई भी रैन बसेरे में, किसी भी रैन बसेरे में रुकता है और उसके पास कोई अगर बहुमूल्य जैसे पैसा इत्यादि होता है, सुरक्षित तरीके से वो लॉकर में रख करके ताला बंद कर ले और चैन की नींद सोए। सबसे अच्छी बात ये है कि सभी रैन बसेरे साफ़ सुथरे हैं और रजाइयाँ हैं वहाँ पर, और साथ में अलाव की भी व्यवस्था है, वो शाम करीब 10 बजे तक जलता रहता है और उसके बाद सभी लोग रैन बसेरे में विश्राम करते हैं। सर, अभी तक कितने कमरे वितरण किए हैं? अभी तक हमारे जनपद में लगभग 9,500 कंबलों का वितरण कर दिया गया है, करीब 10,000 की मात्रा में और कंबल पहुंच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हर तहसील में और प्रत्येक निजी व्यक्ति को कंबल मिल जाए। सर,